हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी घमंडी लड़की को लाइन पर लाने के आसान तरीके। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि दोस्तों देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस लड़की को पसंद करते हो वही लड़की जो है आपके सामने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, बहुत ज़्यादा घमंड दिखाती है। और उससे तुम बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन जब भी आप उससे बात करने की कोशिश करते हो तो वो आपको इग्नोर कर देती है, आपको घमंड दिखाती है। तो उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो ताकि वो आपके सामने कभी भी घमंड शो ना करे। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला तरीका है कि आप उसके जैसे ही बनने की कोशिश करो, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह से लोहा ही लोहे को काट सकता है, उसी तरह से घमंडी इंसान ही किसी घमंडी इंसान को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, उसे किस तरीके से लाइन पर लाना है। ठीक है, एक सीधा साधा और भोला भोला इंसान, भोला वाला इंसान तो यही सोचता रहेगा, यार ये सबसे तो अच्छे से बात करता है, मेरे सामने ही उसके नखरे क्यों बढ़ जाते हैं, ये हमें ही ऐसा हमें ट्रीट क्यों करता है। ठीक है, उसके दिमाग में बस यही बात चलेगी, वो कभी भी उसको लाइन पर लाने के बारे में या फिर उसको किस तरीके से ट्रीट करना है इसी के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन जब एक घमंडी इंसान होगा ना, खुद वो खुद के अंदर थोड़ा बहुत घमंड एटीट्यूड होगा, तो ही वो समझ सकते हैं कि किसी एटीट्यूड वाले इंसान को किस तरीके से कंट्रोल करना है, हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको अपने आप को उसके जैसा बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, बट ये चीज़ आपको एक पॉजिटिव वे में लेनी है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान को आप घमंड दिखा रहे हो, नहीं, जो इंसान आपके साथ घमंड शो करता है, एटीट्यूड दिखाता है, उसी को आपको उस तरीके से ट्रीट करना है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो किसी लड़की को पर लाने के लिए। इसके अलावा दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हो कि आप उस लड़के की वीकनेस पता कर लो और उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करने की कोशिश करो। क्योंकि दोस्तों देखो, हर इंसान की ना कोई एक ऐसी वीकनेस होती है जिसके बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप के होते हैं, उनको अपने आप पर एक अलग ही प्राउड होता है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है, तो आपको उसी चीज़ को पता करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मोस्टली लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा भाव खाती हैं, उन्हें अपने आप पर ये घमंड होता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, क्योंकि हर लड़के, यानी कि मोस्टली लड़के जो हैं, जब भी उनसे मिलते हैं तो उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो जब आप लड़के की वीकनेस पता करके उसे ट्रीट करने की कोशिश करोगे, उसे वैसे बातचीत करोगे या कंट्रोल करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो घमंड आपको दिखा रही है, तो उस लड़की के घमंड आपके सामने कम हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका है कि आप जो है उसे भाव देना बंद कर दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा भाव देने लगते हो, ज़रूरत से ज़्यादा उस इंसान के लिए अवेलेबल होने लगते हो, उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हो, तो क्या होता है कि सामने वाला पर्सन अपने आप भी बहुत ज़्यादा भाव खाने लगता है, उसके एटीट्यूड जो है, उसका एटीट्यूड जो है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज़ करनी है कि किसी लड़की को जो आपको बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रही है, उसको थोड़ा थोड़ा जो है भाव देना कम करना है, ताकि वो उसका जो घमंड एटीट्यूड है आपके सामने कम हो सके। क्योंकि जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती रहती है ना, और वो इज्जत जब धीरे धीरे कम होती है, तो उसे ये चीज़ फील होने लगती है कि यार इसकी तरफ से ये चीज़ कम हो रही है, ऐसे क्या, ऐसी कौन सा रीज़न है, कौन सी ऐसी वजह है। तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आप इस तरीके का यूज़ करके किसी लड़के की घमंड को कम कर सकते हो, उसे लाइन पर ला सकते हो। इसके अलावा अगला तरीका आप ये अपना सकते हो कि आप जो है उसको कम अटेंशन देके अपने आप को किसी और काम में बिज़ी रख सकते हो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, खुद के करियर पर ध्यान दे सकते हो। क्योंकि ये चीज़ नॉर्मली होती है कि जब आप किसी को पसंद करने लगो ना, तो उस इंसान के लिए आप बहुत से तरीके खोजने लगते हो, उसको खुशी देने के लिए, उसको अटेंशन देने के लिए, या उसे स्पेशल फील करवाने के लिए। तो ये सारे काम जब आप धीरे धीरे करते हो, तो सामने वाला इंसान अपने आप ही बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाता है। ठीक है, उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, जिस वजह से कोई उसे उन्हें इतना ज़्यादा भाव देता है। तो इसी चीज़ को आपको कम करना है, आपको जो है उसके बदले अपने टाइम को कहीं और बिज़ी रखना है, अपने आप को कहीं और बिज़ी रखना है। तो ये चीज़ करके भी आप किसी लड़के के घमंड को कम कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।